हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक और वीडियो के साथ वापस आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरी गाड़ी पूरी खुली पड़ी है। कार इज़ ऑल ओपनड अप एंड आई एम गोइंग टू शूट द DIY वीडियो ऑफ इंस्टॉलिंग एन ऑडियो सिस्टम। एक ऑडियो सिस्टम या स्टीरियो सिस्टम इंस्टॉलेशन वीडियो बनाना चाहता था। पूरे वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट वुड बी डेडनिंग द डोर्स, तो साउंड डेडनिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे करते हैं वो सीखेंगे। दूसरा पार्ट होगा स्पीकर इंस्टॉलेशन। स्पीकर मैंने कंपोनेंट स्पीकर लिए हैं, माय स्पीकर इज़ अ कंपोनेंट यूनिट, और स्पीकर और वूफर और ट्विटर अलग है इसमें। सो द ट्विटर एंड वूफर आर टू डिफरेंट यूनिट्स। तो इसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे, कैसे लगाते हैं, कैसे कनेक्शन देते हैं, और उसके बाद सीखेंगे लास्ट पार्ट जो है कि हेड यूनिट इंस्टॉलेशन, वेयर वी वुड बी फिक्सिंग द ऑडियो यूनिट, बेसिकली द MP3 प्लेयर और द एम्पलीफायर। तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को। शुरू करते हैं साउंड डेडनिंग के साथ। आप देख सकते हो ये जो डोर है, ऑलरेडी इस पे मैंने साउंड डेडनिंग कर रखा है। आपको दिखाऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप साउंड डेडनिंग होता है और फिर हम आगे जाएंगे। और दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है, जितने भी इक्विपमेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितने मटेरियल्स मैंने खरीदे हैं, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू विल गेट द लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू नीड द लिंक ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड द फेसबुक पेज, उस पर मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे डोर का डेडनिंग करते हैं। एक फोम टाइप का मटेरियल होता है, आप फोम टाइप का भी यूज़ कर सकते हो, रबर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस है मार्केट में। डायनामैट, सेकेंड स्किन, ये सब कॉस्टली चीज़ें हैं। मैंने एक अमेजोन से एक फोम टाइप का मंगवाया है जिसमें ऑलरेडी एडहेसिव लगा हुआ है, जो कि अराउंड 1200 के आसपास आया था। तो मुझे लगा कि इतना काफ़ी होगा, और मैंने डोर के अंदर वाले पैनल में थोड़े बहुत लगाए हैं। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्टिकर जैसा होता है, पील कीजिए और लगाते जाइए। जितने होल्स हैं इस डोर पे सारे को सील कर देते हैं ताकि जो साउंड इफेक्ट है वो अच्छा है। तो दोस्तों करना ये है कि जितने ओपन एरियाज़ हैं, यहाँ तक कि आप जो स्पीकर रिंग भी यूज़ करने वाले हो, ये सब भी जो रेजोनेट कर सकते हैं, सबको हम लोग फोम से कवर कर देंगे ताकि कोई वाइब्रेशन ना फील हो, कुछ रेजोनेट ना करे इस डोर के अंदर, डोर पैनल के अंदर। तो जल्दी से करते हैं ये और लगाते हैं ये रिंग। लग गया हमारा फोम और अब लगाते हैं इस रिंग को। उससे पहले थोड़ा एनाबॉन्डेज जगह पे लगा देंगे पूरी तरीके से सील करने के लिए। पहले से नट और बोल्ट जगह पे है, बस नट को निकालना है और बिठाना है।
तो गाइस डैम्पनिंग हो चुका है और लगा देते हैं स्पीकर। ये है वो प्लग जो कंपनी ने छोड़ रखा है, इस पे हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। सोल्डरिंग कैसे करना है वो दूसरे वीडियो में है, वो मैंने दिखा दिया है। अब बस कनेक्ट करना है स्पीकर को और लगा देना है। और ये लगा दिए मैंने प्लग्स, आप देख सकते हो ये लग गए प्लग्स। और बैठा देते हैं स्पीकर को जगह पे। ये पार्ट नीचे की तरफ होगा, ओके गाइज द डैम्पिंग मटेरियल इज़ इन टू प्लेस एंड नाउ आई विल बी फिक्सिंग बैक द ट्रिम। तो डैम्पिंग मटेरियल लग चुका है, अब मैं ट्रिम लगाने वाला हूँ। एक बार देख लीजिए कैसे ट्रिम लगता है स्टेप बाई स्टेप।